रूमेटिक फीवर, इसके अंदर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं और हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह। रूमेटिक फीवर क्या होता है? देखें, सबसे पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि आपका ना जो ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन के अंदर ना एक बच्चे का जिक्र किया जाता है। एग्जामिनर मोस्टली इस तरह पूछता है कि हाँ जी जनाब, एक पांच छह साल का एक बच्चा था उस वक्त, एक बंदा आया आपके पास, इस तरह नहीं तो कह देता है, एक बंदा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उसकी जब उम्र 5 से 6 साल थी ना, तो उसको स्ट्रेप मतलब कि थ्रॉट इन्फेक्शन थी, या वो कह सकता था कि उसको स्किन इन्फेक्शन थी, जैसा कि इम्पिटिगो एक स्किन इन्फेक्शन का नाम होता है, ठीक है, वो इस तरह नाम लेता। उसके बाद वो कह देता है कि हाँ जी जनाब, उसको हार्ट का मसला हुआ, अब वो हार्ट के सिम्टम्स के साथ अपीयर होता है। तो आप लोगों ने सोचना है कि ये कौन सा केस है, ये कौन सा मसला कौन सा है। अभी हम इसको एक एक पॉइंट इंशाल्लाह फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें, जो रूमेटिक फीवर होती है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रूमेटिक फीवर होता है, ये बेसिकली आपका ग्रुप ए बीटा हिमोलेटिक जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जनाब आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक हो गया। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप समझे, कौन सा आपका ग्रुप ए बीटा हिमोलेटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये जनाब आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। जब ये आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होती है, आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक की एक तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, या तो फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन होगी, जिसको हम कहते हैं जनाब आपकी फेरिंक्स के ऊपर अटैक करेंगे और फेरिंक्स की इन्फ्लामेशन काज करवा देंगे, जिसको हम कहते हैं फ्रेंजाइटिस। क्या कहते हैं? आपका फ्रेंजाइटिस हो जाती है। नंबर टू ये क्या काम करती है, नंबर टू ये काम करती है, या फिर ये क्या करती होती है, ये जनाब आपकी स्किन की इन्फेक्शन करती है, जिसको हम कहते हैं इम्पीटिगो करवा देती है। क्या करवाती है? आपकी इम्पीटिगो करवा देती है, ठीक है। अब देखें, 97-98% जो बंदे होते हैं ना, उनमें सीन इस तरह का कुछ होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पैथोजन ने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया ना, तो हमारी जो बॉडी होती है, आप लोगों को पता है कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम होता है, वो जनाब इसके ऊपर इन पैथोजन को वैसे ही मार देता है। या ये तरीका होता है, या दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हाँ जी जनाब, आप एक तरह का फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक यूज करते हो, उससे ये ठीक हो जाती है, ठीक हो गया। तो 97% बंदों के अंदर ऐसे होता है कि ये डिजीज उसी वक्त खत्म हो जाती है, ये बैक्टीरिया। अब मसला ये है कि जो 2-3% बंदे हैं ना पूरी दुनिया में, 2-3% बंदे, उनमें एक तरह का इशू चलता है। वो क्या चलता है? देखें, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को कहते हैं एम प्रोटीन। क्या होती है? आपकी एम प्रोटीन। और ये जो एम प्रोटीन होती है, ये बेसिकली सेम टू सेम हमारी जो अपनी जो बॉडी होती है ना, हमारे जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर भी एम ही प्रोटीन होती है, उसके अंदर भी कहती है, हमारी बॉडी के अंदर भी कहती है, एक तरह की एम प्रोटीन होती है। हम ही बात को गौर करना, शाबाश। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, वो समझता है कुछ 2-3% बंदों के अंदर, वो ये समझता है कि यार ये जो एम प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर थी ना, ठीक हो गया, इसी तरह की एम प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर है, तो वो बैक्टीरिया जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। वो क्या काम करता है? हमारी बॉडी के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। वो हमारी बॉडी के ऊपर जब अटैक करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह की आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। ये कौन सी आपकी डिजीज होगी? आपकी एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि ये जो डिजीज होती है, इस डिजीज को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब कि सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी जनाब, आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन था, उस पैथोजन का नाम क्या था? ग्रुप ए बीटा हिमोलेटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। उस ग्रुप ए बीटा हिमोलेटिक स्ट्रेप्टोको ने आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया, जैसे उसने आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया, उसकी वजह से आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो गई, और उसकी वजह से या फिर आपको फ्रेंजाइटिस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन हो गई। जब ये इन्फेक्शन हुई, तो इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में ये होता है कि जनाब आपका अपना जो इम्यून सिस्टम होता है, वो जनाब आता है और इस पैथोजन को वैसे ही खत्म कर देता है। 97% बंदों के अंदर ऐसे होता है। जो 3% आवाम होती है, उसमें ये होता है कि जो उसका इम्यून सिस्टम होता है 3% आवाम का, वो ये कहता है कि यार इस पैथोजन के अंदर भी एक प्रोटीन है, जिसको हम कहते हैं एम प्रोटीन, और जो जनाब हमारा जो हमारे पास जो मतलब के जो बॉडी के अंदर जो है, वो भी एक तरह की एम प्रोटीन है। तो इस बात को इस तरह समझ लेता है कि जैसे ये एम प्रोटीन है, तो इसकी वजह से फिर क्या है, इसकी वजह से वो कहता है कि जैसे कि ये आपकी एम प्रोटीन है, कि आपकी एक तरह की एम प्रोटीन है, तो वो ये कंसीडर करता है कि ये एम प्रोटीन एक तरह का एज ए पैथोजन है, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा, तो इसकी वजह से कई तरह के हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या। सबसे पहले आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वो हम आते हैं हार्ट की तरफ, कि हार्ट के अंदर आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हार्ट को हम सबसे पहले देखेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपके हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं,
ये जनाब आपकी पैनकार्डाइटिस करवाता है। पैनकार्डाइटिस का मतलब पता है क्या होता है कि आपकी हार्ट की तीनों लेयर्स की इन्फ्लामेशन करवा देता है। ये क्या काम करता होता है, आपकी हार्ट की तीनों की जो लेयर्स होती हैं उन तीनों लेयर्स की इन्फ्लामेशन करवा देगा। ठीक हो गया, जैसे तीनों लेयर्स की इन्फ्लामेशन होगी तो इसको हम कहते होते हैं पैनकार्डाइटिस। जब आपकी तीनों लेयर्स की इन्फ्लामेशन होती है इसको हम क्या कहते होते हैं, आपकी एक तरह की पैनकार्डाइटिस कहते होते हैं। अब हम आते हैं एक-एक पॉइंट की तरफ। ये जनाब सबसे पहले आपके हार्ट की कौन सी लेयर होती है जिसकी इन्फ्लामेशन करवाता है उस पॉइंट की तरफ, तो देखें सबसे पहले ये आपके जिस लेयर की इन्फ्लामेशन करवाता होता है उसका नाम होता है जनाब आपकी एंडोकार्डाइटिस। क्या होता है, आपकी एंडोकार्डियम उसकी इन्फ्लामेशन करवाएगा। मतलब कि देखें फॉर एग्जांपल ये आपके एक तरह का हार्ट है, ये जनाब आपकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, आपकी एंडोकार्डियम। कहती है आपकी एक तरह की एंडोकार्डियम, फॉर एग्जांपल ये समझिए आपकी एंडोकार्डियम है। ठीक हो गया, ये एंडोकार्डियम के बाद आपकी आती है मायोकार्डियम। ठीक हो गया, मायोकार्डियम के बाद आती है आपकी एपिकार्डियम। ठीक है, तो ये काम क्या करता होता है कि सबसे पहले आपकी जिसकी इन्फ्लामेशन करवाता है उसको हम कहते होते हैं जनाब आपकी एंडोकार्डियम। क्या होती है, आपकी एंडोकार्डियम। अब जैसे ये एंडोकार्डियम की इन्फ्लामेशन होगी उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर आपका मोस्ट कॉमनली जो वाल्व इन्वॉल्व होता है वो मिट्रल वाल्व होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये बात अपने माइंड में रख लीजिएगा। सबसे मोस्ट कॉमनली जो वाल्व इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, वो मिट्रल वाल्व होता है। ये एमसीक्यूज बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद नंबर टू पर जो वाल्व इन्वॉल्व होता है वो एओर्टिक वाल्व होता है। कौन सा वाल्व आपका इन्वॉल्व हो सकता है, आपका एओर्टिक वाल्व हो सकता है। तो आपने कहना है कि सबसे पहले जो वाल्व इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, आपका मिट्रल वाल्व होगा। उसके बाद नंबर टू पर जो वाल्व इन्वॉल्व हो सकता है वो कौन सा होगा, आपका एओर्टिक वाल्व हो सकता है। तो ये दो वाल्व आपके इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बहुत 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 ज्यादा होता है, ये कम होता है। ठीक हो गया, ये कभी हो सकता है। अब देखें यहां पर होता क्या है, यहां पर ये होता है कि जनाब आपका एक तरह की ना दोनों वाल्व की क्या होती है, एक तरह की वेजिटेशन होना शुरू हो जाती है। जब ये वेजिटेशन होती है ना, वेजिटेशन का मतलब पता है क्या होता है, वेजिटेशन मतलब कि आपको पता है फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोडा, यहाँ पर मिट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, कोडा टेंडिनी होते हैं। क्या होता है, आपका कोडा टेंडिनी होते हैं। ठीक हो गया, ये कोडा टेंडिनी यहाँ पर जनाब आपके एक तरह के पेप्टोडी मसल के साथ इस तरह लगे होते हैं। ठीक है, पेप्टोडी मसल के साथ इस तरह लगे होते हैं। जब ये पेप्टोडी मसल के साथ इस तरह लगे होते हैं तो यहाँ पर जब वेजिटेशन होगी ना आपको, हाँ एक बात को गौर करना है, शाबाश, देखें आपका वाल्व को बंद करना और ओपन करना ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब कि जो पेप्टोरी मसल्स होते हैं ना वो कोडा टेंडिनी के साथ मिलकर आपके वाल्व को प्रॉपर बंद करवाते होते हैं। ठीक है, प्रॉपर क्या करवाते हैं, आपके बंद करवाते हैं। मेरी बात को गौर कीजिएगा, ठीक हो गया, कि अगर फॉर एग्जांपल ये वेजिटेशन यहां पर हो जाती है, आपके कोडा टेंडिनी और पेप्टोरी मसल डैमेज हो जाते हैं, तो क्या अब आपका वाल्व बंद होगा, कि आपका जो वाल्व होगा क्या वो बंद होगा, बताइए जी जल्दी करें, कि आपका वाल्व बंद होगा, आपका वाल्व बंद नहीं होगा। और जब आपका वाल्व बंद नहीं होता तो अब मुझे आप लोगों ने एक और बात बतानी है, शाबाश, जब आपका वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब आपका वाल्व तो बंद हो नहीं रहा, तो आपका इधर से ब्लड जो होगा वो थोड़ा सा पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, ब्लड आपका पीछे की तरफ जाएगा। जब आपका ब्लड पीछे की तरफ जाएगा तो इसके नतीजे में हम क्या देखते हैं, रीगर्जिटेशन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि हाँ जी जनाब, आपकी रूमेटिक फीवर की जो अक्यूट फेज होती है उसमें हम क्या देखते हैं, आपने कहना है म्यूट्रल रीगर्जिटेशन। क्रोनिक फेज के अंदर हम म्यूट्रल स्टेनोसिस देखते होते हैं, लेकिन जो आपकी अक्यूट फेज होती है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, आपने कहना है म्यूट्रल रीगर्जिटेशन देखते हैं, एओर्टिक रीगर्जिटेशन देखते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या बात करनी, आपने कहना है कि देखें ये जनाब आपका सबसे पहले क्या होता है, आपका ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक पैथोजन होता है, वो जनाब आपकी फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन कॉज करवा सकता है, वो जनाब स्किन की इन्फ्लेमेशन कॉज करवा सकता है। जब फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन होगी, फ्रेंजाइटिस उसको कहते हैं, इम्पिटिको हो जाता है। उसके बाद जनाब कुछ दिन जैसे गुजरते हैं, 2 से 3 वीक या कुछ वक्त जब गुजरता है उसके बाद क्या होता है कि ये जनाब आपके हार्ट के ऊपर अटैक करेगा। जब हार्ट के ऊपर अटैक करेगा तो आपकी हार्ट की तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करता है, जिसको हम कहते हैं पैनकार्डाइटिस। लेकिन सबसे पहले जिस लेयर को इन्वॉल्व करता है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम, और एंडोकार्डियम जो होती है ये आपने कहना है कि एंडोकार्डियम के ऊपर जनाब आप लोगों का एक तरह के पेप्टोडी मसल्स होते हैं, और साथ करते हैं कोडा टेंडिनी, ये जनाब आपकी हार्ट को वाल्व को बंद होने में, एक तरह के क्लोज होने में इसके अंदर रोल अदा करते होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अक्यूट फेज के अंदर इसी की वेजिटेशन हो जाती है, जब इसकी वेजिटेशन होगी तो जनाब आपका क्लोज नहीं होगा, जब ये क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, आपका एक तरह के मिट्रल रिकर्जिटेशन पहले होगी, फिर एओर्टिक रिकर्जिटेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये था जनाब आपका एंडोकार्डाइटिस के अंदर। ठीक है, अक्यूट फेज की मैं बात कर रहा हूं। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल एक बंदे को एंडोकार्डाइटिस हुई, उसके बाद ये क्या होगी, आपकी मायोकार्डियम भी इन्वॉल्व करे, जब इसने मायोकार्डियम इन्वॉल्व की तो इसकी भी इन्फ्लेमेशन शो हो गई, इसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अक्सर यूएसएमएल के अंदर भी पूछा जाता है, और रिसेंटली मैं एक एमसीक्यूज देख रहा था, यकीन करें सेम टू सेम यही एमसीक्यूज इस तरह था
उसने एक लंबी सी हिस्ट्री बताई हुई थी, और उसके बाद पूछा हुआ था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इसके अंदर क्या है, तो आपने बताना है मायोकार्डाइटिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है रूमेटिक फीवर के वाले पेशेंट के अंदर। कौन सा होता है आपका? मायोकार्डाइटिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है रूमेटिक फीवर वाले पेशेंट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, मायोकार्डाइटिस। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी हमारे जो मायोकार्डियम की जो लेयर है अगर वहां पर हमें इंफ्लामेशन मिलती है तो वहां पर और क्या चीजें मिलेंगी? आपने कहना है आशो ऑफ बॉडीज। क्या मिलती है आपको? आशो ऑफ बॉडीज मिलती हैं, ठीक है, ये आपने बात करनी है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये अशो ऑफ बॉडीज का क्या मतलब है। अशो ऑफ बॉडीज का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी बेसिकली जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन वहां पर चलती है। क्या चलती है आपकी? क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी चलती है वहां। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के साथ आपके जॉइंट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? क्रोनिक इन्फ्लामेशन के साथ आपके जॉइंट सेल्स होते हैं। और नंबर थर्ड पर वहां पर फिब्रोनाइड मटीरियल होता है, और इस सबको हम कहते हैं अशो ऑफ बॉडीज। क्या कहते हैं आपका? अशो ऑफ बॉडीज। तो आपसे अगर पूछता है कि अशो ऑफ बॉडीज क्या, तो आपने कहना है कि जो शॉफ बॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं? एक तरह की मतलब के क्रोनिक इन्फ्लामेशन।